चलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो चलो स्टार्ट करते हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन और देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कहता है एवरेज, हाँ एवरेज लाइफ टाइम ऑफ हाइड्रोजन एटम टू एक्साइटेड स्टेट, यहाँ एन इज इक्वल टू टू। देखो हाइड्रोजन की बात हो रही है, सबसे सिंपल सीधा साधा अच्छे वाले की बात हो रही है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो एक्साइट होकर टू में पहुँच गया है, और 10^-8 सेकेंड एवरेज लाइफ टाइम वहाँ पे बिताता है। फाइंड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय द इलेक्ट्रॉन ऑन एन एवरेज बिफोर जंप टू द ग्राउंड स्टेट। तो ये एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और आई लव द फिजिक्स, और इसलिए मैं इस क्वेश्चन को दिल देता हूँ, हार्ट। ठीक है ना? इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन डिजर्व करता है, तो जो चीज डिजर्व करता है उसको तो कुछ देना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं दिल देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज होते हैं दुनिया में, और आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा और बातें अच्छी वाली करेंगे इसमें। चलो तो तुम मेरे साथ जुड़े रहना, चैनल को यार सपोर्ट किया करो जैसे भी कर सकते हो। एक न्यूक्लियस है, समझने की कोशिश करना, यहाँ बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपको। एक न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है एन इज इक्वल टू वन में, और इधर इसका एन इज इक्वल टू टू भी है यार। ठीक है, तो अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो उसको मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ। तो अभी इलेक्ट्रॉन इस वाले में है, टू वाले आर्बिट में जंप कर गया है, एक्चुअली एक्साइट हो गया है, रहना कहाँ चाहिए था ग्राउंड में, चला कहाँ गया है, एक्साइट होके टू में चला गया है, समझ रहे ना? अब कैसे एक्साइट हुआ, एनर्जी तो मिला होगा तब तो एक्साइट हुआ होगा। अब बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है, एक मतलब मिसकंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन होता है कि जो है वो 10^-8 सेकेंड में वापस आ जाता है। ठीक है, तो ये 10^8 सेकेंड में वापस नहीं आता है, ये गलत बात है। ये जो टाइम है वो एक एवरेज टाइम है। देखो ये बहुत ही विद्वान और अनुभवी लोग ये चीज़ समझ सकते हैं, एवरेज टाइम है। ठीक है, तो एवरेज टाइम का क्या मतलब है? देखो इलेक्ट्रॉन एन इज इक्वल टू वन में है और एन इज इक्वल टू टू में है, तो एक्साइट होके अगर टू में चला गया है तो वन में वापस आएगा, और कब वापस आएगा वो इस दुनिया में किसी को नहीं पता है। और मान लो अगर थ्री में चला गया है, थ्री में है, तो वो थ्री से वन में कब आएगा और किस रास्ते आएगा, थ्री से टू, थ्री से या तो टू में आएगा या तो वन में आएगा या तो डायरेक्ट थ्री से टू में आएगा, तो वो कब आएगा और कितने टाइम में आएगा ये इस दुनिया में कोई नहीं बता सकता मेरे भाई। ठीक है, चलो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो एक वाइफ है, ये किसी की वाइफ है, मेरी वाली तो है नहीं, तो ये किसी किसी की वाइफ है। अरे यार ठीक है, थोड़ा ढंग का बना दो। तो ये किसी की वाइफ है, अगर ये नाराज हो गई, मान लो झगड़े हो गए हस्बैंड एंड वाइफ में, और जब ये नाराज हो गई तो जब ये अपने मायके जाएगी ना, तो इस दुनिया में कोई नहीं बता सकता है किस पाथ से जाएगी। ठीक है, किस पाथ से मायके जाएगी इस दुनिया में कोई नहीं बता सकता, और वो कब वापस आएगी मायके से ये भी अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है, ये वही बता सकती है। तो ठीक इलेक्ट्रॉन के केस में है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया तो कब आएगा कैसे आएगा इस दुनिया में कोई नहीं बता सकता, पूरी तरह से अनसर्टेन है। 10^-1 सेकेंड के बाद आएगा, 10^-2 सेकेंड के बाद आएगा, 10^-3 सेकेंड के बाद आएगा, तो वो इस दुनिया में वो इलेक्ट्रॉन को ही पता होगा, हमें तो नहीं पता भाई। चलो तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलो इतनी सी कहानी और अच्छी वाली बात तो हम लोग कर चुके, सवाल को सॉल्व करते हैं। तो ये कहता है कि अब जब एक्साइट हो कि जब वापस आएगा, तो जब वापस आएगा तो ऐसा थोड़ी कि ऐसे जंप कर जाता है यार, ऐसा बिल्कुल नहीं है प्यारे बच्चों। जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा न्यूक्लियस का, तो जब वापस आएगा तो ऐसे ऐसे कुछ तरह ऐसे ऐसे चक्कर लगा के, ऐसे ऐसे चक्कर लगा के वन में वापस आ जाएगा इस टाइप से। ठीक है, और जब वन में वापस आ जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जब चला था, टू से चला था वन में आने में कुछ टाइम लगा होगा, टाइम स्मॉल टी लग चुका होगा, और उस टाइम ड्यूरेशन में कुछ साइकिल, कुछ सर्कुलर पाथ कवर्ड किया होगा, कुछ रिवोल्यूशन कवर्ड किया होगा। तो ये वही पूछ रहे हैं नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, तो लेट नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जो है लेट
नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना चक्कर सर्कुलर पाथ पूरा किया, मान लो एन हो गया, और ऑन एन एवरेज पूछा गया, एग्जैक्ट तो नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। तो एक साइकिल में टाइम पीरियड, अगर एक साइकिल में ऑन एन एवरेज टी टाइम लगता है, तो अगर एन साइकिल पूरा कर गया तो टोटल टाइम कितना कंज्यूम हो गया, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई टाइम टी। ये बात समझ में आ गया भाई, जब यहाँ से चला था तो टी टाइम कंज्यूम हो गया, उस टी टाइम में एक टाइम पीरियड में टी टाइम लगा और एन टाइम एन साइकिल पूरा कर लिया सर्कुलर पाथ। तो यहाँ से तो हमें पूछा जा रहा है नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ कवर्ड इज इक्वल टू, और वो यहाँ से आ जाएगा स्मॉल टाइम टी और डिवाइडेड बाई कैपिटल टाइम टी। तो ये लॉजिक है सवाल सॉल्व करने का, यहाँ ये चीज़ हमें कैलकुलेट करना है। अब ये चीज़ हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, तो वो हमें टाइम पीरियड इसका निकालना पड़ेगा, और टी जो है वो एवरेज टाइम है 10^-8 सेकेंड दिया हुआ। तो जब 10^-8 सेकेंड दिया तो टाइम पीरियड इस क्वेश्चन का निकाल लेते हैं। तो चलो टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं भैया, तो टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2 पाई आर और डिवाइडेड बाई वेलोसिटी भी। तो अभी अभी एन इज इक्वल टू 2 में था, ठीक है। तो रेडियस आर की जो वैल्यू होती है वो होती है आर नॉट एन स्क्वायर अपन जेड होती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए जेड इज इक्वल टू 1 हो गया, तो 529 और ये एन स्क्वायर ही रहने देता हूँ और जेड की वैल्यू 1 होती है आर। इतना एंगस्ट्रॉन जो है वो आर की वैल्यू हो गई, चलो बाद में एन की वैल्यू रख देंगे। और जो लीनियर स्पीड भी होती है उसकी भी अपनी कुछ वैल्यू होती है, तो लीनियर स्पीड भी की जो वैल्यू होती है 0.18 × 10^6 और 10^6, और यहाँ से जेड अपॉन एन दैट इज़ अ लीनियर स्पीड भी। तो यहाँ से अगर जेड की वैल्यू 1 रखोगे, तो ये सारी कहानी अगर ले जाके अपने टाइम पीरियड वाले फार्मूले में रखोगे, तो यहाँ से 2 पाई और आर की वैल्यू 0.529 और एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई लीनियर स्पीड 2.18 × 10^6 और एक एन ऊपर गया तो एन की पावर क्यू हो गया। अब 2 और 3.14 और यहाँ से 0.529 एंगस्ट्रॉम है 10^-10 और ये आ जाएगा एन की पावर क्यू। तो ये कितना बनेगा, एन की पावर क्यू बनेगा। कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा नयन सुख जो है आँखों को अच्छा लगेगा। तो 2 की पावर क्यू हो गया और डिवाइडेड बाई 2.18 × 10^6 आ गया प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये जो रामायण कहानी है इसको पूरा सॉल्व करने के बाद मिल जाता है 1.22। तुम कर लेना, मैं पहले ही कर चुका हूँ, बच्चों से क्या छुपाना है, बच्चों को समझ में आना चाहिए, बच्चों से कभी भी असलियत छुपाना नहीं है ये टीचर को। तो यहाँ से बच्चे सब समझते हैं, तो 1.22 ये एवरेज टाइम पीरियड हमें आ गया, सब कुछ एवरेज ही आएगा यार, इधर किसी ने कुछ देखा ही नहीं, ठीक है। ऐसा हुआ तो वैसा हुआ है, तो ऐसा होगा तो वैसा होगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड इतना आ गया प्यारे बच्चों। तो अब मैं क्या करूँ, इस टाइम पीरियड को ले जाके इस वाले में रख दूँ, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन स्मॉल टी डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जो आ जाएगा वो स्मॉल टी डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। स्मॉल टी क्या है, एवरेज टाइम पीरियड एक्साइटेशन का, और डिवाइडेड बाई 1.22 × 10^-15। तो ऑन एन एवरेज अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 8.2 × 10^6 जो है ये फाइनल सोल्यूशन आ जाता है। इतना रिवोल्यूशन जर्न किया होगा और वो लौटने से पहले, यहाँ पे आने से पहले इतने चक्कर लगा चुका होगा इलेक्ट्रॉन। तो आई होप ये बहुत मज़ा आया होगा आपको।